नमस्कार, मेरा नाम है तेज और आप देख रहे हो स्टडी एल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के 68,500 पदों पर सहायक अध्यापक के ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्म कैसे भर सकते हैं। तो दोस्तों, उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इससे क्या होगा कि जैसे ही मैं यूपी ये सहायक अध्यापक की भर्ती से जुड़ा कोई भी नया वीडियो लेके आऊँगा तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख सकेंगे। तो दोस्तों, एक चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है जिस पर हम लाइव टेस्ट सीरीज करते हैं। तो दोस्तों, इसकी भी हम लाइव टेस्ट सीरीज करेंगे। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो और अगर आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा, सब कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको मैं एक वेबसाइट की तरफ लेकर जाता हूँ, वो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आपको ये लेके आ गया हूँ। तो दोस्तों, इसका जो ये हैं वो साइट हैं यूपी बेसिक एजू बोर्ड डॉट गवर्नमेंट डॉट इन। तो दोस्तों, इस पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो हम आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 68,500 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति, 2008 आयोजित लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण 41,556 विद्यार्थियों तो ऑनलाइन आवेदन प्रणाली। ठीक है दोस्तों, तो ये 68,500 पर हैं, 68,500 है नियुक्ति होगी। दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है। दोस्तों, रोल नंबर आपका जो भी है दोस्तों यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि अपनी जन्मतिथि भरनी है। दोस्तों, जन्मतिथि आपको कुछ इस प्रकार से भरनी है, जैसे आपका जन्म 1980 में हुआ है तो दोस्तों पहले यहाँ पर 1980 लिखना होगा, फिर उसके बाद ऐसे आपको उसे कर देना है, बीच में दोनों के बीच में हाइफ़न कर देना है, उसके बाद मंथ लिख देना है। मंथ जैसे आपके कोई भी हो, जैसे जो फोर्थ मंथ है तो फोर्थ मंथ, और उसके बाद आपको डे लिख देना है। तो सबसे पहले आपको ईयर, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कैसे लिखना है। तो दोस्तों, जैसे कि आपका 1980 हुआ है तो 1901, तो आपको 1980 लिख देना है। जैसे आप 1986 लिख दिया, उसके बाद आपको लिखना है मंथ लिख दिया। तो मंथ से पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक हाइफ़न ऐसे कर लगा देना है, उसके बाद आपको मंथ लिख देना है। जैसे मंथ आपका जैसे 004 लिख देते हैं, उसके बाद आपको ये लगा देना है, डे लगा देना है, जैसे 05 लगा देते हैं। तो ये दोस्तों हो गया, तो जिस प्रकार से आपको भरनी है। उसके बाद आती है मोबाइल नंबर की। दोस्तों, आपका जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके बाद जो दोस्तों ये आप ये लिखा हुआ कोड बॉक्स में टाइप करें। तो जैसा कि यहाँ पर कुछ दिखाया गया है 45661, तो दोस्तों हर बार ये चेंज हो जाता है, ये सेफ्टी के लिए बनाए गए हैं। तो ये जो भी है यहाँ पर डाल दीजिए। उसके बाद जनरेट OTP, तो दोस्तों ये आपके मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, और आपके लिए कुछ ही समय के अंदर आपको यहाँ पर यह वेरीफाई हो जाएगा, और वेरीफाई होने के बाद ये पूरी तरीके से यहाँ पर आगे सेव, आगे जो भी होगा प्रोसेस वो आ जाएगा दोस्तों, नेक्स्ट का प्रोसेस आ जाएगा, उसके बाद अपना फॉर्म भर सकते हो। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो ये मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आपको रोल नंबर डालना है यहाँ पर, अपनी जन्मतिथि दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इस प्रकार से डालनी है कुछ, और मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और लिखा हुआ कोड यहाँ पर ये लिखा हो कुछ, यहाँ पर एक कोड लिखा हुआ है दोस्तों जो यहाँ पर बॉक्स में यहाँ पर डालना है। और उसके बाद यहाँ पर जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है, जिससे आपके फ़ोन पर जो आपने मोबाइल नंबर दिया है दोस्तों, मोबाइल नंबर सही देना है, उस पर OTP आएगा, और उसके बाद ही आप नेक्स्ट कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, लाइक कर दीजिए वीडियो को अगर पसंद आया हो तो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।